क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें बंद रहने वाली है 7, 8, 9 तक। आप अगर दिल्ली आते हो तो यहाँ पे आपको नहीं घूमने दिया जाएगा अगर आपके पास पास नहीं है जो अलॉट किए जाएंगे दिल्ली की तरफ से। और भाई आ रहा हूँ, और यहाँ पे होना है भाई वो G20 का कॉन्क्लेव। ये एंट्री गेट है उसका, और आप चेक कर लो एक बार, देख लो ये है लोगो G20 का, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पहुंच चुके हैं राजघाट पे। तो राजघाट से पहले देखो ये आता है जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, और इसी रास्ते पे अपना पड़ेगा राजघाट। एक सर्विस रोड उधर है जो मेन रोड है, मैं मेन रोड से कट करके सर्विस रोड पे आ गया हूँ। और भाई देख लो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे आगे, कितनी हरी भरी हरियाली है भाई यहाँ पे। तो आगे देखते हैं क्या तैयारी की गई है राजघाट के ऊपर। सारे फुटपाथ जितने भी रीपेंट किए गए हैं, और सामने देखो फुटपाथों को कैसे भाई कंस्ट्रक्शन किया गया है, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं है ना यहाँ पे घूम रहा हूँ जैसे कि मैं ना कोई यूरोप रोप कंट्री में घूम रहा हूँ भाई। ऐसे रंगीन फुटपाथ देख रहे हो आप, कितना अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे। ये सब अभी किया गया है भाई G20 के चक्कर में, सारी चीज़ें की गई है, जितना भी कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है यहाँ, नया रिनोवेशन जो बोल सकते हो आप, देख रहे हो। फाइनली राजघाट पहुँच गए हैं, ये राजघाट है महात्मा गांधी जी की समाधि, और इस पर देखते हैं आगे चल के क्या क्या यहाँ पे किया गया की गई है तैयारी। तो पहले तो भाई यहाँ पे फाउंटेन लगाया गया है नया, देख रहे हो। फाउंटेन यहाँ पे, और एक फाउंटेन उधर लगाया गया है वो देखो, ये अभी वर्किंग नहीं है, रात में वर्किंग होंगे। एक फाउंटेन यहाँ है, एक फाउंटेन वहाँ पे है। तो नाइट व्यू भी देंगे आपको हम, कि राजघाट में क्या क्या तैयारी चल रही है G20 को लेकर। सो अभी पूरा कंस्ट्रक्शन में, अब चलते हैं यहाँ से आगे और फिर NDMC में देखते हैं नई दिल्ली एरिया में क्या क्या तैयारी है भाई। तो गाइस पूरी दिल्ली में ऐसे काफी ज्यादा गमले लाए गए, देखो गमलों का काम चल रहा है दिल्ली के सारे फुटपाथों पे। तकरीबन भाई बहुत ज्यादा गमले हैं, काउंटिंग में तो बता नहीं सकता कितने लाख गमले लगाए जा रहे हैं। तो रोड के फुटपाथ के साइड में बहुत सारे गमले लगाए गए नए नए, देख रहे हो आप G20। सो गाइस अब एंटर कर रहे हैं प्रगति मैदान टनल में, और यहाँ देखो भाई क्या तैयारी की गई है, देख रहे हो चारों तरफ गमले उमले लगाए गए हैं, और यहाँ देखो काम चल रहा है ऑलरेडी। ये देखो लगे हुए हैं वर्कर, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है G20। और भाई ये है प्रगति मैदान टनल, इसका भाई एक बार एटमोस्फियर चेक करो आप। 2.5 किलोमीटर की टनल है भाई, बड़ी गजब की टनल है। तो अब यहाँ से निकल गए बाहर, और अब देखते हैं भाई इंडिया गेट पे क्या क्या तैयारी की गई है अपना G20 को लेके। सो गाइस चेक कर सकते हो फाउंटेन वाउंटेन लगाए गए हैं यहाँ पे, ये देखो फाउंटेन चल रहा है बढ़िया, इंडिया गेट के सर्कल पे फाउंटेन लगाए गए हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। ये सब नया कंस्ट्रक्शन है भाई बिल्कुल G20 को लेकर। और अभी हम इंडिया गेट के सर्कल पे हैं, सर्कल घूम रहे हैं, फिर यहाँ से देखते हैं आगे क्या क्या लगाया गया है भाई, क्या क्या तैयारी की गई है G20 समिट को लेकर। यहाँ पे देख लो भाई इंडिया गेट फ्रंट से, और अभी चल रहे हैं आगे, देख लो भाई यहाँ पे नए नए पेड़ पौधे लाए गए हैं, तो सबके काम हो रहे हैं, सब बंदे लगे हुए हैं काम पे भाई। बहुत बड़ा इवेंट है ये इंडिया के लिए देखा जाए एक तरीके से तो। और इस सर्कल पे देखो यहाँ पे भी एक फाउंटेन ये लगाया गया है, अभी वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में हो जाएंगे बहुत जल्दी। पहुंच चुके हैं इंडिया गेट के सर्कल पे, देखो मेन इंडिया गेट आ गया इधर, और यहाँ पे भी भाई बहुत अच्छी तैयारी की गई है, देख लो चारों तरफ सामान सब चीज लगाई गई, बैरिकेडिंग वगैरह। और इंडिया गेट चेक कर लो आप कैसा लग रहा है। और भाई यहाँ से चल रहे हैं आगे, और इस साइड में देखो भाई मतलब पेड़ पौधे का काम बहुत किए गए हैं यहाँ पे, इंडिया दिल्ली को हरी भरी दिखा रहे हैं, ये चीज़ चेक कर सकते हो आप। और अभी थोड़ा और आगे चल रहे हैं, और मैन अट्रैक्शन पॉइंट में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो है अपना प्रगति मैदान, जहाँ पे ये सारा मतलब सबमिट होने वाली है, वहाँ पे चल रहे हैं अब। पे चेक करना भाई आपकी जो मेन होने वाला है ना सबमिट, जो मेन सबमिट होने वाली है G20 की, वो भाई ये है वो पॉइंट। अभी आपको थोड़ी देर में हम वापस पहुंच जाएंगे। और जो सामने आपको दिख रहा होगा ये पुराना किला है भाई, और ये बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, देखो यहाँ पे कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फौज खड़ी है, आर्मी खड़ी हुई है इस साइड में, क्योंकि भाई जो मेन है ना वो यही है, और यहीं पर ही होना है मेन G20 का समिट जो होना है भाई। अभी देखो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो भाई ये है मेन गेट, यहाँ पे होगा भाई जो चीज़ होने वाली है।
और सामने देखो क्या लगाया गया, मैं आपको थोड़ी देर यहाँ पे रोक के दिखाता हूँ। तो ये है लोगो G20 का, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो भाई ये इनका स्लोगन है G20 का, जो मेन मकसद है वो ये है। और इंडिया का G20 का समिट देख लो भाई, ये मेन चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे होना है भाई वो G20 का कॉन्क्लेव, ये एंट्री गेट है उसका, और आप चेक कर लो एक बार, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्रगति नगर गेट नंबर 4 पे खड़ा हूँ मैं, और कितना मस्त लग रहा है। उसके सामने भाई ये लगाया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या भाई तैयारी की गई है, कितना अच्छा लग रहा है। रेलिंग वेलिंग सब पेंट की गई है, और भाई चेक कर सकते हो आप, मतलब भाई तैयारियां ना बहुत जोरों शोरों पे चल रही हैं G20 को लेके दिल्ली के अंदर। और ये नेशनल साइंस सेंटर है भाई दिल्ली का, इसी के बगल में ही आपका G20 का समिट होना है। तो अब यहाँ से घूमेंगे हम, उस साइड जाएंगे जो टनल दिख रही है आपको, वहां जाएंगे। सो भाई ये देखो, ये यहाँ पे एक बनाया गया सर्कल, सर्कल के ऊपर देख लो भाई कितना अच्छा है, एक वो रखा हुआ है स्टेचू, और ये पूरा सर्कल है प्रगति मैदान का। और भाई फुल तैयारी पर है दिल्ली G20 को लेकर, ये चेक कर लो, ये सब चीज भाई तैयार किए गए हैं हाल फिलहाल में। और ज्यादा दिन नहीं बचे भाई G20 को लेकर, यहाँ से ऑलमोस्ट मुश्किल से मुश्किल जो अपना G20 रह गया है वो एक वीक का रह गया है। तो आप देख सकते हो इस साइड में, चेक कर लो भाई, अभी थोड़े बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें हैं लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, और जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें अपनी वर्किंग प्रोसेस प्रोग्रेस हो जाएंगी भाई। तो भाई मतलब इंडिया बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है भाई, फर्स्ट टाइम G20 आया है इंडिया के अंदर। G20 का मतलब होता है ग्लोबल के, ग्लोबल 20, जितने 20 कंट्रियां हैं जो पावरफुल हैं अपने, क्या कहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो सारी कंट्रियां आ रही हैं दिल्ली के अंदर, जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उनमें इंडिया भी एक है जो भाई इसको होस्ट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है भाई अपने देश के लिए। तो अभी हम और आगे चल रहे हैं और अब हम देखेंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं खान मार्केट, और खान मार्केट जो दिल्ली की सबसे महंगी मार्केट है वहाँ पे हम जा रहे हैं देखने की वहाँ क्या कैसे तैयारी की गई, क्योंकि सब NDMC के एरिया में आता है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये सब चीज़ें बंद रहने वाली हैं 7, 8, 9 तक। आप अगर दिल्ली आते हो तो यहाँ पे आपको नहीं घूमने दिया जाएगा अगर आपके पास पास नहीं है जो अलॉट किए जाएंगे दिल्ली की तरफ से। और भाई देखो ये है UPSC, यहाँ पे जितने भी IAS वगैरह बनते हैं वो यहाँ से अपॉइंट होते हैं, देख सकते हो आप, ये चीज़ देख सकते हो। तो अभी चल रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं भाई वो कि वहाँ क्या तैयारी की गई है अपनी खान मार्केट पर। तो गाइज ये है खान मार्केट, ये दिल्ली की सबसे महंगी मार्केट है भाई, और ये सब चीज़ें बंद रहने वाली हैं 7, 8, 9 तारीख को। तो अभी मैं मार्केट में चलते हैं, एक राउंड लेते हैं उसका, दैन उसके बाद हम निकल जाएंगे CP में, कनॉट प्लेस में, वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको कि मतलब खान मार्केट का एरिया है। और ये सब बंद रहेगा आपका 7, 8, 9 तारीख को, मतलब NDMC का एरिया तो पूरा बंद रहने वाला है भाई। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं बाहर क्योंकि अंदर ज़्यादा जाम लगा हुआ है खान मार्केट में, क्योंकि सब बंदे शॉपिंग कर रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन है खान मार्केट का, देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ से भी आ सकते हो, लेकिन अभी 3 दिन आना मत 7, 8, 9 सितंबर को, उसके बाद ही आओ तो अच्छा रहेगा, या उससे पहले घूम जाओ तो और वेल एंड गुड है भाई। वो बहुत बेस्ट है भाई, वो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर भी तैयारी की गई है। देखो आगे एक फाउंटेन चल रहा है जो बिल्कुल अभी नया बनाया गया है CP में, क्योंकि इंडिया गेट से आता है, मेन एंट्री है, और ये आप देख सकते हो, देखो भाई ये रहा, देख रहे हो, ये तैयारी की गई है यहाँ पे। और अभी आगे चल रहे हैं सर्कल से, देन उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या तैयारी है भाई G20 को लेकर दिल्ली के हार्ट, यानी दिल्ली का जो दिल है CP में। सेंट्रल पार्क का ही पूरा खोद रखा है भाई, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो आओ तो सेंट्रल पार्क विजिट करना का मतलब नहीं बनता, क्योंकि पूरे उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख रहे हो, बाहर से दिखा रहा हूँ मैं, अंदर तो जाना अलाउड भी नहीं है, और ये पूरा एकदम खराब कर दिया गया है सारा, अभी बन रहा है, काम चल रहा है, क्योंकि भाई G20 आ रहा है तो इस वजह से उसमें कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे 2 पार्क है, एक पार्क उस साइड में और एक सेंट्रल पार्क है, हम इसमें चलेंगे अभी अंदर, और यहाँ देखेंगे क्या क्या तैयारी है भाई। और मैं इनर सर्कल पे हूँ, ये सब चीज़ बंद रहने वाली है आपकी 3 दिन 7, 8, 9, देन मंडे फिर खुलेगी, मंडे 9 या 10 सितंबर है, उसके बाद फिर मंडे खुल जाएगी। तो इसलिए भाई सितंबर में इन तीन दिन ना ही आओ तो ही अच्छा है। सो गाइस ये सेंट्रल पार्क, अभी इसमें शायद फुहारे वुहारे नहीं चल रहे, उस साइड आगे की साइड में, उस साइड में, तो वहाँ चल के देख रहे हो भाई, ये है सेंट्रल पार्क पूरा, देखो शान से लहरा था वो तिरंगा, और भाई देखो क्या मजे आ रहे हैं। तो अभी इसका आप पूरे मजे लो और मुझे बताओ फिर। सो गाइस ये फाउंटेन देख रहे हो, ये बंद है अभी, मेरे ख्याल से रात को चलेगा ये, लेकिन अभी बंद कर रखा है, पानी बड़ा गंदा हो रहा है, तो अभी सफाई वफाई होगी इसकी, और G20 के दिनों में चलेगा ये, बाद में देखेंगे, आपको एक बार नाइट व्यू दूंगा तो तब देखना भाई आप इसको, तो अभी तो बंद पड़ा होगा ये। तो गाइज ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन G20 को लेकर दिल्ली के बारे में, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना, और
मुझे कमेंट में बताना भाई आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी, और बहुत अच्छी चीज है भाई की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। Time